बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शौकत महमूद बसरा है, तहरीक इंसाफ का अदना सा कारकुन हूँ और इमरान खान का चाहने वाला हूँ। मेरा तलक जनूबी पंजाब के जिला बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद तहसील फोटाबाद से है। हो सकता है मेरे इस वीडियो पैगाम के बाद, मेरी इस गुफ्तगू के बाद मुझे अगवा कर लिया जाए, मार दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मेरे समेत करोड़ों पाकिस्तानियों के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। हो सकता है मेरी ये गुफ्तगू करोड़ों पाकिस्तानियों की तर्जमानी कर सके। 9 मई को जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया, हमारे शोहदा की तौहीन की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे समेत तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने उस वाक्य की शदीद मजम्मत की, लेकिन जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है, हम सबको दहशतगर्द और गद्दार समझा जा रहा है। आप मुझे गोली मारेंगे, मेरे खून के हर कतरे से एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आज किस पाकिस्तान में, जिसके लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने दिए, हमारी माओं बहनों बेटियों ने अपनी अस्मितें और रिश्ते लुटाई, आज उसी पाकिस्तान में हमारी जान बाज इज्जत महफूज नहीं है। हमारे सियासी मुखालफों के साथ मिलकर पुलिस, जिसने हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत करनी है, वो हमारे घरों को लूट रहे हैं, घरों पर हमले कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, जिसको नाबूद कर रहे हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। कारोबार को ताले लगाए जा रहे हैं, जहां से हमारे बच्चों की रोजी रोटी आती है। अगर बात हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमों की होती, कारोबार बंद करने की होती, हमारे घरों को तोड़ने की होती, हम बर्दाश्त कर रहे थे। 4 महीने से हम लोग दरबदर हैं, अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को जो गैर महफूज है उनको बचाते फिर रहे हैं। जब पुलिस वालों को पूछते हैं कि ये आप क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हम हुक्म के पाबंद हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी रोजी रोटी कमानी है। और कहते क्या है, जो इंतहाई खतरनाक बात है, जिसको मुल्क समेत कोई पाकिस्तान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, कहते हैं हम इदारों के हाथों मजबूर हैं, हमें इदारों की तरफ से हुक्म आता है कि हमारे घरों को लूट लिया जाए, हमारे घरों पर हमला किया जाए, हमें जेलों में डाला जाए, जब जेलों से निकले तो दोबारा जेलों में डाला जाए, जमानते हो तो फिर जेलों में डाला जाए। मैं और कोई पाकिस्तानी इस बात को नहीं मान सकता। पुलिस झूठ बोल रही है, जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है। हमारी फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, जिसका सिपा सलार हाफिज आसिम मुनीर, जिसके अंदर कुरान महफूज है और जो हाफिज कुरान है, मैं नहीं मान सकता वो या उनके अफसरान ये हुक्म दें, जब जिन लोगों का तहरीक इंसाफ से तल्लक है उनकी इज्जतों को लूट लो, उनके कारोबार बंद कर दो, उनको जेलों में डाल दो, मैं नहीं मान सकता। हमारी फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है, हमारी सलामती की मुहाफिज है, वो शहादतें देते हैं हमारे लिए, अपनी जाने कुर्बान करते हैं हमारे लिए। लेकिन हाफिज आसिम मुनीर साहब, जो जहरीला प्रोपेगेंडा ये पुलिस और हमारे सियासी मुखालिफ कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल रही हैं। खुदा का एक बताओ मेरे वतन पाकिस्तानी के, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि खुदारा इसका नोटिस लें, खुदारा इसका नोटिस लें। अवाम और हमारी वो फौज जिसके लिए हमारी जान कुर्बान है, जो हमारे लिए जान कुर्बान करती है, अवाम और फौज के दरमियान लकीर बहुत गहरी होती जा रही है। खुदारा इसका नोटिस लें, इससे पहले बहुत देर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।